नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए देसी मुर्गी पालन के छोटे और महत्वपूर्ण प्रयोग लेके आते हैं। ऐसा ही एक छोटा शेड और 50 देसी मुर्गी पालन, ये वीडियो आज हम आपके लिए लेके आए हैं। आप यहाँ पर जो शेड देख रहे हैं, यह 100 मुर्गियों के लिए बनाया हुआ है और इसका डायमेंशन अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 100 स्क्वायर फीट का यह शेड है और एक ही दिन में यह शेड कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। और शेड कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप देखेंगे तो मेटल के एंगल, मेटल जाली और लकड़ी के ब्लॉक, यह तीन चीज़ें लेकर यह शेड बनाया हुआ है। और ज़मीन से तकरीबन 5 फीट ऊपर यह शेड है और नीचे बहुत बार हम देखते हैं कि सीमेंट कंक्रीट का यूज़ हम फ्लोरिंग के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे लकड़ी के ब्लॉक यूज़ किए गए हैं। तो इस तरह जिन किसान भाइयों को इंस्टेंट देसी मुर्गी पालन शुरू करना है, वो भी छोटे पैमाने पे शुरू करना है, तो इस तरह से अपना शेड बनाकर वह शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप तो 100 स्क्वायर फीट में तकरीबन 50 मुर्गियाँ जो है वह अंडा उत्पादन के लिए रखी हुई है। और हमें पता है कि एक दिन में हम अगर शेड बना रहे हैं तो दूसरे दिन से अगर हमें इनकम शुरू हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। और इसी तरह इन्होंने यह अंडा देने वाली मुर्गियां रखी हुई है। और आप देसी मुर्गियां जब अंडा उत्पादन के लिए रखते हैं तो 50 मुर्गियों से तकरीबन डेली आपको 25 से 30 अंडे मिलते हैं, यानी पहले ही दिन से आपको 10 रुपये में भी एक अंडा आप सेल करते हैं तो उससे तकरीबन आपको 250 से लेकर 300 रुपये डेली मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे आइडियाज़ हम आपके लिए लेके आते हैं ताकि आप जल्द से जल्द देसी मुर्गी पालन शुरू करें, छोटे पैमाने पे शुरू करें। काफ़ी सारे किसान भाई जो है तो शेड कंस्ट्रक्ट करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि मेटल एंगल लिया, उसका वेल्डिंग किया, जाली लगा दी और लकड़ी के ब्लॉक मार्केट में इजीली मिलते हैं। इसका खर्च भी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 200 स्क्वायर फीट के ऊपर नहीं जाता है, लेकिन एक अच्छा खासा शेड जो है हमारे लिए एक दिन में हम तैयार कर सकते हैं। ऐसे साइड में प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहती है, क्योंकि मैंने बोला कि कम पैमाने पर हम बर्ड्स इसमें रखते हैं तो कम बर्ड रखने की वजह से प्रोडक्शन अच्छा आता है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि 25 से 30 अंडे, लेकिन इससे ज़्यादा भी अंडे आपको 50 मुर्गियों से मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुर्गियाँ कम रखी हुई है और उनका रखरखाव अच्छा होता है। देसी मुर्गी पालन शुरू करने के लिए इसलिए ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को शुरू करना है तो इंस्टेंट इस वीडियो में हमने जो बातें दिखाई है, इस तरह से काम करके वह अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही अपना एक्सपीरियंस अच्छा होता है आप इसे बड़े पैमाने पर लेके जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।